नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त बारा जंगिड़ आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की वीडियो है कुछ खास। आज हमारे पास है बजाज क्लॉथ आयरन, जिसका कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें आपको कंप्लीट इसको रिपेयर करके हम दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना है। थर्मोस्टेट है वो ख़राब है, तो थर्मोस्टेट हम चेंज करेंगे दोस्तों। तो थर्मोस्टेट हमने इसका नया परचेज कर लिया है आराम से। मार्केट में आपको 40-50 रुपए का थर्मोस्टेट अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है दोस्तों। ये इसकी थर्मोस्टेट नॉब है दोस्तों, और सभी पेच हमने खोल के इकट्ठे रख दिए हैं इसके, और प्रेस के कंप्लीट पार्ट्स देखिए दोस्तों। खुलने के बाद में काफ़ी बड़े साइज में प्रेस हो जाती है। ये देखिए अंदर का सिस्टम इसका, एलिमेंट इसका फिक्स एलिमेंट है दोस्तों प्लेट के अंदर, जो कि चेंज होता नहीं है, बिल्कुल फिक्स है और जल्दी से ना ही ख़राब होता है। तो दोस्तों, आज इस प्रेस को हम कंप्लीट ओके करके आपको दिखाएंगे, वीडियो कहीं से स्किप नहीं करना है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट में हमें जो इसका थर्मोस्टेट है इसे हम खोल लेंगे, जो कि डैमेज है आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका जो ओवरहीट कट ऑफ है, हाई कट, वो जल चुका है। तो दोस्तों, फर्स्ट में हमें थर्मोस्टेट को जो एलिमेंट प्लेट है उससे अलग कर लेंगे। ये देखिए, थर्मोस्टेट को अलग करने के बाद में देखिए इसका जो पॉइंट है बिल्कुल जलकर डैमेज हो गया है। दोस्तों, आप चाहे तो इसे यहाँ के यहाँ भी फिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका जो मेन पॉइंट है वो भी देखिए जल चुका है, डैमेज हो चुका है। उसको डैमेज होने की वजह से प्रेस कट नहीं हुई, इसी वजह से हाई कट पूरी तरह से जल चुका है। ये देखिए, हाई कट का जो मेटल है वो भी पिघल चुका है इसका। ये देखिए, पूरा जो मेटल है इसका हाई कट करने का जो काम करता है ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है हीट से। तो दोस्तों, ये जो मन्नत कंपनी का हमारे पास देखिए लाइट वेट आयरन थर्मोस्टेट है, जो कि ओरिजिनल बिल्कुल अच्छा अच्छी क्वालिटी के थर्मोस्टेट आते हैं दोस्तों, जो कि प्रेस के अंदर लग के आते हैं। सभी टाइप के थर्मोस्टेट आपको इस कंपनी में मिल जाते हैं दोस्तों, और जो देख पा रहे हैं चार टाइप के इसके अंदर थर्मोस्टेट हैं, स्टीम वाली और लाइट वेट, सभी तरह के थर्मोस्टेट इसमें मिल जाते हैं दोस्तों आपको। तो दोस्तों, थर्मोस्टेट को हम निकाल कर चेक करेंगे किस टाइप का मिलता है। थर्मोस्टेट हमने निकाल लिया। ये देखिए दोस्तों, इसको आपको काफ़ी ध्यान से रखना है, क्योंकि काफ़ी छोटा पार्ट्स है और जल्दी से अलग से आपको मिलता भी नहीं है। तो दोस्तों, फर्स्ट में इसी को हम प्रेस के अंदर देखिए, जो कि हाई कट पे काम करता है, और ये जो पॉइंट है इसका चीनी मिट्टी का, ये इसके ऊपर टिकता है। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का थर्मोस्टेट है, कॉपर पॉइंट एकदम फुल। ये देखिए मेन पॉइंट है जो फुल कॉपर का है। तो दोस्तों, थर्मोस्टेट को प्लेट के ऊपर हम सेट करेंगे, दोनों पेच लगाएंगे फर्स्ट में इसके। ध्यान रखना है दोस्तों, दोनों पेच बराबर से ही टाइट करने हैं। जो हाई कट है उसको भी अच्छे से सेट कर लेना आपका, ताकि प्रॉपर वर्क कर सके। किसी कारण से प्रेस कट नहीं हो तो हाई कट खराब होकर आपकी प्रेस का एलिमेंट बच सके खराब होने से। तो दोस्तों, ये देखिए पॉइंट इधर से थोड़ा टच हो रहा है, तो इसको ऊपर की तरफ हल्का सा मोड़ देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, यदि नया थर्मोस्टेट आप चेंज करते हैं तो थोड़ा बहुत इसका कहीं से अर्थ ना रह जाए। यदि बॉडी में कहीं प्लेट में टच रह गया तो उससे आपकी प्रेस करंट मारेगी, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑटो कट है उसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही बिल्कुल डाउन करते हैं हम, कट हो जाता है। तो दोस्तों, इसको फिक्स करने के लिए ऊपर से जो एडजस्टमेंट है इसका थर्मोस्टेट का, उस पर हम मैक्सोबोंड का यूज किया है, ताकि यूज करते वक्त हमारे थर्मोस्टेट की सेटिंग आउट नहीं हो। तो दोस्तों, ये दो देखिए, ब्लैक वायर और एक रेड वायर हमारा थर्मोस्टेट का, ब्लैक ब्लैक वायर है जो न्यूट्रल का,
और ये इंडिकेटर के लिए होल अलग से दिया हुआ है। तो इन तीनों को बाहर निकाल लिया है। और मैं प्लेट को देखिए, जो ऊपर वाली प्लेट है इसको लगा दिया है। ये दोस्तों देखिए, न्यूट्रल के सभी ब्लैक वायर, हमारे तीन वायर हमने इस पर लगा दिए। एक एलिमेंट का न्यूट्रल है, एक मेन लीड का, और एक जो बाहर मेन इंडिकेटर लगा हुआ है उसका न्यूट्रल है। ये दोस्तों देखिए, मेन मेंस का इंडिकेटर है, उसका एक वायर, एक हमारा फेज का वायर और एक हमारा रेड वायर थर्मोस्टेट का। तीन वायर हमने फेज पर कनेक्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों इंडिकेटर, हम जो इंडिकेटर के लिए अलग से सीट दी हुई है, इंडिकेटर का जो होल्डर है उसके अंदर सेट कर देंगे। इसके बाद में जो प्लेट के पेच हैं उनको हम सेट करेंगे। जो प्लेट को स्पेशल यदि दिए हुए हैं तो आपको दोस्तों ज़रूर लगाना है, ताकि जो प्रेस की जो ऊपर की बॉडी है वो प्लेट के ऊपर टच नहीं हो और हीट से डैमेज भी नहीं हो। तो प्रॉपर लगभग इसके अंदर 5 mm का गैप होता है दोस्तों, प्लेट के और इसके बीच में। तो गैप प्रॉपर बना के रखना है ताकि प्रेस डैमेज नहीं हो हीट होने पर। पेच भी आपको लिमिटेड तरीके से टाइट करनी है, ज़्यादा टाइट करेंगे तो आपकी प्लेट है जो ब्रेक हो सकती है। तो दोस्तों ये हैंडल है इसका, हैंडल को लगाकर सेट करके फर्स्ट में हमें ये दो पेच लगा लेने हैं, जो कि थर्मोस्टेट की नॉब के अंदर ढक जाते हैं, बाद में आपको दिखाई भी नहीं देंगे। दोस्तों पेच का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। देखिए ये हमारे इंडिकेटर इधर लग चुके हैं, ग्रीन और रेड दो इंडिकेटर इस प्रेस के अंदर दिए हुए हैं दोस्तों। ये नॉब के लिए दोस्तों, ताकि नॉब हमारी चले जब थोड़ा सा बिल्कुल गरारी की तरह चले। ये पॉइंट का ध्यान रखना है दोस्तों आपको, नॉब लगाते वक्त पॉइंट और कट मैच करके बिल्कुल ऊपर से प्रेस कर देना है, आसानी से नॉब बिल्कुल लग जाएगी आपकी। नॉब देखिए दोस्तों, प्रॉपर घुमाकर चेक कर लिया है, बिल्कुल जीरो पर थर्मोस्टेट कट होना चाहिए आपका, प्रेस ऑफ होनी चाहिए, हल्का सा आगे बढ़ाने पर ही प्रेस ऑन होनी चाहिए, प्रेस की सेटिंग एकदम ओके रहेगी। ये देखिए दोस्तों पेच, जो इसका पेच लगाने के बाद में ऊपर का इसका कवर है वो भी लगा दिया हैंडल का। मेन लीड को इस टाइप से इसमें सेट कर लेना है बिल्कुल घुमाकर, ताकि यूज करते वक्त हमारी जो मेन लीड है ऊपर की तरफ खींच कर निकले नहीं। तो दोस्तों बैक प्लेट का जो पेच है वो भी लगा देते हैं हम। तो दोस्तों प्रेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, चलिए टेस्ट कर लेते हैं। मेंस का इंडिकेटर आ चुका है देखिए, और जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे, सीरीज में है अभी, चलो हम डायरेक्ट कर लेते हैं एक बार सप्लाई। सप्लाई डायरेक्ट करने के बाद में ये देखिए दोस्तों, प्रेस एकदम कंप्लीट हो चुकी है फिटिंग। ये देखिए ग्रीन इंडिकेटर आ चुका है, तो प्रेस हमारी हीटिंग हो रही है। जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे, ये देखिए अब मेंस आएगा ओनली। तो दोस्तों जब तक ग्रीन इंडिकेटर जलता है तो हमारी जो प्रेस है हीटिंग होती रहती है, और जैसे ही हीटिंग कंप्लीट हो जाती है ग्रीन इंडिकेटर अपने आप बंद हो जाता है, थर्मोस्टेट प्रॉपर काम कर रहा है इसका। तो दोस्तों और आगे बढ़ाएंगे इसको, ये देखिए अब और ज़्यादा हीट होगी। तो दोस्तों जितना हीट करना है आप उस हिसाब से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इस पर जो नॉब के ऊपर मार्किंग दी हुई है, कॉटन सिल्क रेयन सभी तरह के क्लॉथ्स के लिए, तो उस हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए बिल्कुल हीटिंग अच्छे से आ चुकी है, पानी के छींटे मारते एकदम स्टीम बना देती है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस टाइप की जो भी वीडियो आए हमारा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, प्रेस हमारी मात्र 50 रुपये के खर्चे में एकदम नए जैसी हो चुकी है, एकदम प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो दोस्तों, और किसी ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे आपको। तो दोस्तों, प्रेस हमारी जैसे ही ठंडी होगी उसके बाद में वापस से हीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एकदम कंप्लीट परफेक्ट हो चुकी है हमारी प्रेस। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी टाइप के किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।